रहीम। आज हम बना रहे हैं अंडा पराठा, जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है। चले बनाना शुरू करते हैं। ये वाले कप मैंने दो मैदे के ले लिए। एक चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। और एक चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। अब हम हाथ की मदद से इस तरह इसे मिक्स कर देंगे। अब हम गूंदे के पानी ऐड करेंगे। एक गिलास मैंने पानी का लिया, देखते हैं कितना इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताती हूँ। मैं देखो मैंने गूंद लिया आटा। अब इसे हम रेस्ट देंगे। हल्का सा हाथ को ऑयल लगा के इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे और 10 मिनट की रेस्ट देते हैं। 10 मिनट रेस्ट दिए मैं देखो मैंने आटा गूंद के। अब हम अंडे तैयार कर लेते हैं। 5 पराठे बनाएंगे हम। 5 अंडे ले लिए मैंने। अब हम अंडे डालेंगे इस तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 चम्मच काली मिर्च 1/2 चम्मच और जीरा 1/2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब मिर्च कटी हुई 3 चौकी हुई और 2 चम्मच के करीब सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड करेंगे और इस अच्छे से मिक्स करेंगे। दस मिनट हो गए रेस्ट दी हुई। ये देख कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका। अब हम मैदा लगाएंगे हाथ में और छोटा सा यहाँ से पेड़ा लेंगे। इस तरह मैदा लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह मैदा लगाएंगे। हाथ की मदद से इस तरह करेंगे, बेलेंगे इसको। अब हम इसको बेलन की मदद से मेलेंगे इस तरह। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। चम्मच की मदद से मैंने पूरे पराठे में लगा दिया ऑयल। अब इसके ऊपर हल्का सा मैदे की डस्ट करेंगे इस तरह और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह करेंगे। इस तरह करेंगे हाथ से। इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। मैदे की डस्ट करेंगे इस तरह। अब हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। ये पेड़ा हमारा तैयार है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह प्लेट में रखेंगे और सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। पराठे पे ऑयल हमने लगा लिया। अब इसमें हल्की सी अजवाइन लगाएंगे। आप चाहे तो कलवंजी भी लगा सकते हैं और ज़ीरा भी लगा सकते हैं।
इस पे मैदे की डस्ट करेंगे इस तरह। और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इस तरह करेंगे हाथ की मदद से, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। मैदे की डस्ट करेंगे इस तरह। इसको फोल्ड करेंगे इस तरह। और इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। और एक पेड़ा मैंने सादा बनाया। पेड़े हमने तैयार कर लिए, अब हम इनको रोटी बनाएंगे। इनकी मैदा लगाएंगे और हाथ की मदद से इस तरह बेलेंगे। अब बेलन से इस तरह बेलेंगे। मैंने बेल लिया। अब हम तवे पे ग्रीस करेंगे। तवे के ऊपर ग्रीस कर ऑयल लगा देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरफ से हल्का सा लाइट सा कलर आ गया। फुल हमने पकाना नहीं है ये। और इसी तरह पका के सारी रोटियां हम तैयार कर लेते हैं। ये पराठे मैंने तैयार कर लिए। ये देखिए 5। इसको आप एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, पॉलीबैग में डाल के रख लें। मेहमान आ जाए, बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए अंडा लगाएं और तैयार करके उन्हें दें। अब हम इनके ऊपर अंडा लगा के पराठा तैयार करें। ऑयल लगाएंगे 1 चम्मच। पराठा ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे इस तरह। एक चम्मच इसके ऊपर इस तरह ऑयल भी लगा देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब हम उतार लेंगे। हम ये पराठा ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर अंडा लगाएंगे।
तरह फैला देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे इस तरह। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये पराठा भी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे उतार लेंगे। सारे पराठे हम इसी तरह, पराठे हमारे तैयार हैं। ये देखिए,